नेक्स्ट क्लास, दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जियोग्राफी का। आवर प्लैनेट द अर्थ, अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो अगर सन से इसकी दूरी देखें तो ये कितना आता है, थर्ड नंबर पे, और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम्स फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इट ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा है। देयर इज एबंडेंट वाटर फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस इन थ्री स्टेट, ठीक है, बहुत सारा पानी भी है यहाँ पर, लिक्विड, सॉलिड और गैस की फॉर्म में। अर्थ इज होम टू मिलियन ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को मिला करके और भी कई जो है लाखों करोड़ों जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। तो अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर माना जाता है कि जिंदगी है, हमें नहीं पता और ग्रहों का अभी अच्छे से। द अर्थ प्लैनेट वॉज फॉर्म्ड 4.54 बिलियन ईयर्स अगो एंड लाइफ अपीयर टू इट्स सर्फेस विद इन अ बिलियन ईयर। तो इतने टाइम पहले तो अर्थ बनी थी और फिर उसके एक बिलियन ईयर बाद ही क्या हो गया था, लाइफ अपीयर हो गई थी। अर्थ इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। तो सन से ये 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ टू ट्रैवल अराउंड द सन। तो सन के आसपास घूमने में इसको 365 डेज लगते हैं इसे घूमने में। अर्थ है सीजन्स, अर्थ के पास सीजन्स है ना, मौसम है, डेज है, दिन है, नाइट है, एलिमेंट ऑफ वेदर है, वेदर चेंज होता है, कभी क्लाउडी कभी रेनी, एंड क्लाइमेट लाइक प्रेशर टेम्परेचर विंड वगैरह भी यहाँ पर चेंज होते हैं। एंड प्रोवाइड्स यूनिकनेस टू इट, इस वजह से अर्थ जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि ये सब चीज़ें और बाकी प्लैनेट्स में नहीं होती। सैटेलाइट्स देखते हैं, सैटेलाइट्स आर नेचुरल टेरेस्ट्रियल बॉडीज डेट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। तो मैंने बताया था आपको कि सन के आसपास जो घूमे वो प्लैनेट और जो प्लैनेट के आसपास घूमे वो सैटेलाइट, तो उपग्रह। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज मून। तो अर्थ की सैटेलाइट नेचुरल कौन है, देखो मैनमेड भी होती है, मैनमेड होती है ना, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स बनाते हैं वो भेज देते हैं ताकि वो पिक्चर्स क्लिक करके भेजेगी हमें अर्थ की, तो इस टाइप की सैटेलाइट भी होती है, वो मैनमेड होती है, पर ये नेचुरल भी होती है जैसे कि मून है। सम प्लैनेट्स डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट वाइज सम हैव मैनी। तो किसी के पास एक भी नहीं होती है नेचुरल सैटेलाइट, किसी के पास बहुत सारी है। बहुत प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रोटेट एंड रिवॉल्व, प्लैनेट्स भी घूमते हैं है ना अपनी जगह पर भी, और गोल गोल भी, और इस तरीके से सैटेलाइट भी घूमती है। वाइल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन द सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ऑल्सो बोथ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की ही लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उससे टकरा करके सन की लाइट वापस आती है, जैसे कि मून की रोशनी है ना, मून की खुद की रोशनी नहीं है, वो सन की रोशनी ही टकरा करके उससे वापस आती है, हमें लगता है वो चाँद की रोशनी है। थस इन द मैनर द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सैटर्न हैज 60 सैटेलाइट, तो मून हमारा सिर्फ एक ही है और सैटर्न के सोचो 60 हैं, जुपिटर के 62 और यूरेनस के 27। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सैटर्न के 60, यूरेनस जुपिटर के 62 और यूरेनस के 27। अदर्स हैव स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हु हैव नो सैटेलाइट। तो औरों के पास कम कम है और मरकरी वीनस के पास तो एक भी नहीं है, सॉरी। सो फार मोर देन 150 सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन आवर सोलर सिस्टम। तो टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 150 के अप्रोक्स सैटेलाइट्स हैं। बिसाइड्स नेचुरल सैटेलाइट्स देर आर मैनमेड सैटेलाइट्स ऑल्सो विच आर प्लेस्ड इन द अर्थ ऑर्बिट बाय साइंटिस्ट। तो मैंने आपको बताया कि अर्थ के ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ जहाँ पर से वो घूमे वहाँ पर पे वो मैनमेड लगाई गई हैं। टेलीविजन सिग्नल वगैरह जो हैं उसी से आते हैं, तो इनसेट, IRS, एडोसेट, ठीक है, कार्टोसेट, ये सब जो है मैनमेड सैटेलाइट हैं इंडिया की बनाई हुई। आगे बढ़ते हैं मून। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, पता है आपको कि मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट बट लुक्स ब्राइटर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो मैंने बता दिया इसकी खुद की लाइट नहीं है, सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ऑन जुलाई 2019 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो जुलाई 20 को 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे उन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा था, पहले इंसान थे जो चांद पर गए थे। He was followed by Edwin Aldrin. Both the American astronaut explored the photo and photographed the surface of the moon. These were followed by several other attempts by USA and Russia. उसके बाद एडविन एल्ड्रिन गए, इन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह भेजी और उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जाते रहे यूएसए और रशिया से।
मून टेक्स 29 डेज एंड 12 आवर्स टू कंप्लीट आवर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. मून को कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ के आसपास घूमने का? 29 डेज एंड 12 आवर्स. इट ऑल्सो स्पेंस ऑन इट एक्सेस, अपनी जगह पर भी घूमता है ये. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट टेक्स द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन रोटेशन एट इट टेक्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन. तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको भी हैरानी होगी जानकर कि जितना टाइम इसको ऐसे घूमने में लगता है उतना ही टाइम इसको ऐसे घूमने में भी लगता है. यही रीज़न है कि वी सी द सेम साइड ऑफ मून, हमें हमेशा मून की एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती. When the moon is between the earth and the sun, the part of the moon facing the earth is in complete dark. तो जब भी moon जो है earth और sun के बीच में आता है तो moon का जो part earth की तरफ होता है वो पूरा काला हो जाता है, dark हो जाता है. इस चीज़ को हम new moon या फिर अमावस्या कहते हैं. On the 14th day after the new moon, जब new moon के बाद 14वां दिन लगता है तो moon shines fully as full moon. तो full moon होता है जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. The celestial bodies, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लैनेट. तो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन, द रीजन बियॉन्ड नेपच्यून. तो बियॉन्ड के बाद का ये नेपच्यून के बाद जो है नेपच्यून भी तो खत्म हो जाते हैं प्लैनेट हमारे सारे, तो उसके बाद भी छोटे छोटे प्लैनेट आते हैं. इनमें क्या क्या है, जैसे कि प्लूटो, कैरिस, इरिस, मैकमैक एंड ह्यूमिया. प्लूटो वॉज अर्लियर कंसाइडर टू बी स्मॉलेस्ट प्लैनेट. पहले प्लूटो को भी कैटेगरी में रखा जाता था प्लैनेट की और नो प्लैनेट माने जाते थे, पर अब उसको हटा दिया गया है 2006 में उसको हटा दिया गया है. एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है बच्चों? तो एस्ट्रॉइड होते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे मैं कह रही हूँ पर वो बहुत बड़े हैं, पहाड़ों से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े. तो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों जो हैं छोटी रॉकी बॉडीज़ हैं, ठीक है, पहाड़ जैसी बॉडीज़ हैं जो कि होती है मार्स और जुपिटर के बीच में है एक गोला सा, ठीक है. कैरिस द ड्वार्फ प्लैनेट इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट. तो ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है यही एक लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट में. आगे देखेंगे मेटियोर्स एंड मेट्रोइड्स क्या होते हैं. ठीक है, मेटियोर्स जो होते हैं स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल, छोटे छोटे रॉक और मेटल, ठीक है, मेटल भी हो सकती है, के टुकड़े होते हैं. बिलीव टू फॉर्म एन एस्ट्रॉइड ब्रेकअप, तो जब एस्ट्रॉइड टूटते हैं तो मेटियोर्स बनते हैं. ठीक है, मोस्ट मेटियोर्स बर्न अप बिफोर दे इवन रीच टू अर्थ, तो ये टूट करके अर्थ तक पहुँचते हैं और कई कई तो जल भी जाते हैं. शूटिंग स्टार हम इनको कहते हैं, जब हम कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा, वो एक्चुअली में स्टार नहीं होता बच्चों, वो टूटा हुआ एस्ट्रॉयड होता है जो कि मेटियोर बन जाता है, उसमें आग लग जाती है, इसलिए हमें वो क्या लगता है, टूटता हुआ तारा है. ठीक है, बट मेटियोर्स स्ट्रीकिंग अक्रॉस द स्काई. व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस दे कॉल्ड मेटियोर, जब ये गिर जाते हैं अर्थ की सर्फेस पर इनको हम मेटियोर कहते हैं. देखो यहाँ पर गड्ढा और रखे गिर के. लार्ज मिटियोर्स कैन कोज ह्यूज क्रैटर्स वेयर दे लैंड ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, इनको क्रैटर कहते हैं. जब वो किसी और प्लैनेट पे गिरते हैं, अर्थ पे गिरते हैं तो गड्ढा बन जाता है मिटियोर से, उसको हम क्रैटर कहते हैं. कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर स्पेक्टिकुलर ग्लोइंग कैलेस्टियल बॉडी, स्पेक्टिकुलर जलती हुई कैलेस्टियल बॉडी होती है ना, देख लो आप. दे आर लार्ज बॉल्स ऑफ रॉक एंड आइस, ये बर्फ और पहाड़ का जो है एक बॉल होता है. दे आर ऑफन कॉल्ड डर्टी स्नोबॉल, इनको हम गंदी स्नोबॉल भी कह सकते हैं. कॉमेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, इसके भी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं. व्हेन अ कॉमेट कम्स नियर द सन इट फ्रोजन सरफेस इवेपोरेट्स एंड रिलीजेस गैसेस एंड डस्ट, जब ये अर्थ के नज़दीक आता है, सन के नज़दीक आता है तो पिघल करके इसकी जो बर्फ है वो गैस में बदल जाती है. सन्स एनर्जी ब्लोज एंड गैस एंड डस्ट इन टू ह्यूज टेल्स, और फिर इसकी जो गैस होती है एक पूछ की तरह बन जाती है और जलती है, वो ग्लो चमकती है, ठीक है, और हमेशा जो है सन से दूसरी तरफ को पॉइंट करती है. येल्लो और वाइट टेल इज मेड अप ऑफ डस्ट एंड ब्लू टेल इज मेड अप ऑफ गैस, तो येल्लो और वाइट जो टेल होगी वो उसकी डस्ट से बनी होती है और जो वैसी ब्लू होती है वो गैस से बनी होती है. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हैलीस कॉमेट विच फ्लाइज पास द अर्थ एवरी 70 ईयर्स, तो हर 76 ईयर्स पे एक कॉमेट पास होता है, हेलीस कॉमेट नाम है इसका, बहुत फेमस है ये. कॉमेट क्लैमोला विजिट द सोलर सिस्टम एवरी 11 ईयर्स वाइल कॉमेट एन के ऑर्बिट्स द सन एवरी 3.3 ईयर्स, तो ये कुछ और कॉमेट्स के नाम है जो कि इतने इतने टाइम में घूमते हैं. तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है.